आज 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बनी हुई म्यूरल का अनावरण माननीय देश के गृहमंत्री अमित जी शाह इनके हस्ते होने वाला हो चुका है। आज का ये कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि उपस्थित अमित जी शाह जी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी हैं, संसद सदस्य डॉक्टर किरीट सोलंकी जी हैं, श्रीयुत हर्ष सांघवी गृह राज्य मंत्री आदरणीय किरीट परमार, अरविंद पटेल, सम्मानीय सुरेश पटेल विधायक, राकेश शाह, उसी तरह हमारे केवाईसी के चेयरमैन विनय सक्सेना, श्रीमती प्रीता वर्मा जी, मंच पर सभी आदरणीय व्यक्ति उपस्थित, मीडिया के सभी मित्र और इस सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर व्यक्ति। महात्मा गांधी जी इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है केवाईसी के तरफ से। कुल्हड़ से बनी महात्मा गांधी की म्यूरल का अनावरण साबरमती किनारे हो रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व की बात। जैसे म्यूरल का अनावरण है, उसी तरह वो अनावरण माननीय हमारे अमित भाई शाह इनके हस्ते है, यह हमारे लिए अभिमान की बात है। मैं समझता हूं हमारे एमएसएमई और केवाईसी के अधिकारों ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मरण में म्यूरल का अनावरण करके एक अनोखी श्रद्धांजलि पेश की है, उनको धन्यवाद दी थे, एक अनोखी। तो मैं समझता हूं इसी वक्त महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी स्वतंत्रता के दी, पूरी जिंदगी उन्होंने जो विचार दिया खादी के बारे में विचार, रोजगार निर्माण के लिए विचार, पारतंत्र से मुक्ति होकर भारत स्वतंत्र होने के लिए विचार, ये विचार से हमारा भारत, ये तत्व से हमारा भारत आज आगे बढ़ रहा है। महात्मा गांधी के जी के तत्वों के मुताबिक हमारे आज के पंतप्रधान, भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 सालों से भारत सरकार, ये सरकार चला रहे हैं, ये भारत आत्मनिर्भर बने, महासत्ता बने, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। और इस कार्य में हमारे अमित भाई शाह जी का पूरा योगदान भी है। मैं गुजरात का, गुजरात मिट्टी का, गुजराती लोगों का बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और गुजरात के लोगों के बारे में मुझे गर्व भी है, उन्होंने हमें 2 कर्तृत्ववान व्यक्ति भारत के लिए दिए। एक पंतप्रधान के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी और एक कर्तव्यगार कुशल प्रशासक हमारे अमित भाई शाह जी, ये दोनों व्यक्ति भारत के लिए काम करते वक्त मैं नजीक से देख रहा हूं, नजीक से देख रहा हूं। भारत के बारे में प्रेम, निष्ठा, अभिमान के कारण ये भारत
दुनिया में महासत्ता बने, आत्मनिर्भर बने, भारत में सुबत्ता आए, भारत में के लोग नागरिक 135 करोड़ लोग सुखी हो जाए, इसके लिए उनकी कोशिश हमेशा होती है। इसके पहले भी सरकार थी, वो भी हमने देखी, और अभी मैं जिस सरकार में हूं वो सरकार जिस तरह चलते, जिस भावना में चलते हैं, देश को सुरक्षितता पाने के लिए, देश के लोगों को रोजी रोटी पाने के लिए, गरीबी नष्ट करने के लिए, रोजगार निर्माण करके हमारे यूथ को रोजगार प्राप्त करके देने का काम हम आज एमएसएमई के माध्यम से कर रहे हैं। उनके लिए मार्गदर्शन हमारे पंतप्रधान जी और गृह मंत्री अमित जी शाह इनका भी है। आज भी यहाँ म्यूरल का अनावरण हो रहा है, हमारे विभाग से ये काम हुआ है, मगर इनको पूरी तरह से मार्गदर्शन आशीर्वाद हमारे अमित भाई शाह का है, ये भी मैं जानता हूं। तो इसलिए मैं कहा, हमें गुजरात के बारे में बहुत गर्व लगता है कि इन्होंने दो कर्तृत्ववान व्यक्ति हमारे भारत देश के लिए दिए हैं। वो दोनों व्यक्ति हमारे राष्ट्रपिता माननीय महात्मा गांधी जी, इनके तत्वों के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार आज हमारे देश में कारोबार कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा, खादी वस्त्र नहीं है ये विचार है, खादी वस्त्र नहीं ये विचार है। तो वो विचार के माध्यम से हमारा देश सुजलाम सुफलाम किस तरह हो सकता है, इनकी कोशिश माननीय मोदी सरकार के माध्यम से चल रही है। मैं समझता हूँ हमारे भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा योगदान बोलो या अच्छा योग है, और मैं समझता हूँ ये हमारे भारत के लिए ये अच्छी बात है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज के महात्मा गांधी जी के पुण्य स्थिति के माध्यम से आज लोगों को महात्मा गांधी जी का तत्व लोगों तक पहुंचाने का अवसर है, और उस तरह हम समझता हूँ आप सभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे महात्मा गांधी जी के तत्वों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। जो हमारे पंतप्रधान जिस विचार से काम कर रहे हैं, माननीय अमित जी शाह जिस विचार से आज काम कर रहे हैं, वही विचार आपको लोगों तक पहुंचाना और राष्ट्रीय भावना से लोगों की सेवा करना, तरक्की करना, विकास करना, रोजी रोटी देना, ये हम सबका काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं केवीआईसी और एमएसएमई के सभी अधिकारी के ऋण व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अच्छा काम करते वक्त ये हमारे राष्ट्रपिता के बारे में जो सद्भावना उन्हें व्यक्त की है, लोगों का हमारे गुजरात में आने वाले पर्यटक और देश से आने वाले पर्यटक, ये सभी को ये अच्छा तरह से एक पर्यटन केंद्र जो बन रहा है उनका लाभ उठाए, और हमारे महात्मा गांधी के तत्वों से के विचार आत्मसात करे, कार्यान्वित करे, यही विनंती करता हूँ। और मुझे इस अवसर पर गुजरात में आना और हमारे अमित भाई शाह के शाह जी के कार्यक्रम में उनके साथ बैठने का योगदान प्राप्त करके दिया, इसलिए मैं हमारे सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को शुभकामना पेश करता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय जैसे कि हो चुका है, 11 बजे हैं, तो